हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज मैं एक ऐसा गेम को खेलने वाला हूँ जिस गेम का नाम है हॉरर किस 2। एंड मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो गेम है ये दो चैप्टर में डिवाइडेड है, मतलब चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। एंड चैप्टर 1 जो था, मतलब हॉरर किस जो था चैप्टर 1, वो मैंने खेला था। एंड अगर आप लोगों ने उस गेम का गेम प्ले वीडियो नहीं देखा है तो आओ, मेरे चैनल पे आप लोग को उस गेम का गेम प्ले वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। बट आज जो मैं गेम खेलने वाला हूँ, इस गेम का नाम है हॉरर किस 2, जो कि चैप्टर 2 है। एंड चलिए, मुझे ज़्यादा कुछ तो पता है नहीं, इतना पता है कि इस गेम के अंदर में जो मॉन्स्टर है वो जैसे ही किसी को किस करती है भाई, वो मर जाता है। जैसे कि आज मैं उसके घर में जाने वाला हूँ, एंड अगर उसने मुझे बाय द वे अगर उसने मुझे किस कर लिया तो भाई मेरा जो गेम है ओवर हो जाएगा। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। बाकी गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि चैप्टर 1 मैंने खेला था जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था, एंड चैप्टर 2 पता नहीं कैसा होने वाला है। तो चलिए चैप्टर 2 को आज खेलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल राइट गाइज, तो फिलहाल हम लोग का गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, डे 1 हो चुका है। और ये अपना कमरा है जहाँ पे मुझे उसने किडनैप करके रखा है। यहाँ पे एक ड्रॉअर है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ है इसमें नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए तो अभी यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे न्यूज़पेपर गिरा हुआ है। तो इस न्यूज़पेपर को अगर मैं पढ़ूँ तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसको स्कीप करते हैं क्योंकि मैं कभी भी कोई भी गेम में मैं न्यूज़पेपर कभी पढ़ता ही नहीं हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कैसे हम लोग को स्क्रू ड्राइवर और कैसे हैमर बनाना है, उसका मतलब कॉम्बिनेशन वहाँ पर दिखाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक दरवाज़ा है, इधर देख लेता हूँ, यहाँ भी न्यूज़पेपर है। एंड इस तरफ से मैं इधर चलता हूँ, ओके यहाँ पे क्या है बड़ा बड़ा, ओके ये जार है और इस जार को तोड़ने के लिए हमें हैमर चाहिए। तो हैमर तो मेरे पास है नहीं बट मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, कुछ नहीं है, इसको ओपन करते हैं भाई, इसमें भी कुछ नहीं। एक एक करके सभी ड्रॉअर को चेक करते हैं, क्या पता इसके अंदर में हमें हैमर या कोई ऐसा चीज़ देखने को मिल जाए। इसमें देखते हैं भाई, कुछ नहीं है, इसमें देखते हैं, कुछ भी नहीं है। चलिए इधर से हमें कुछ मिला नहीं है, इधर से एक ऊपर जाने का रास्ता है, इधर से मैं ऊपर चलता हूँ। ओके तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ भी बहुत सारा जा रहा है, इसको तोड़ने के लिए मैं हैमर चाहिए। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, आई नीड गोल्डन की। ओके तो मुझे गोल्डन की चाहिए तभी हम लोग उस तरफ जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से नीचे उतरते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पता चल चुका है, मतलब एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही हम लोग चीज़ों को असेंबल करेंगे, जो जहाँ पर लगने वाला है वहाँ पर उसको लगाएंगे। एंड ओ ये कौन है भाई, यहाँ पर एक क्रो है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था, फिलहाल अभी यहाँ से उड़ के कहीं पर वो जा चुका है। तो अभी मैं इस तरफ से इधर आता हूँ। ओके तो ये वाला कमरा मैं नहीं आया हूँ, चलिए इधर चेक करते हैं, कुछ मिल जाए शायद इधर से, कुछ भी नहीं है ड्रॉअर में, इसको चेक करते हैं, कुछ भी नहीं है इधर भी, इसमें चेक करता हूँ मैं। सबसे पहले नीचे वाला को चेक करते हैं, कुछ नहीं है, इसको चेक करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। तो इधर से हमें कुछ मिला नहीं है, तो अभी सबसे पहले इधर भी मतलब देख लेता हूँ, इधर भी ओके इधर कुछ नहीं है। ओ यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुकी है भाई, तो इधर से मैं जल्दी से निकल लेता हूँ। चलिए मैं बच गया, यहाँ पर कोई मुझे खास साउंड तो सुनाई नहीं दिया था बट थोड़ा सा मुझे मतलब लग ही गया था कि कोई ना कोई मेरे पीछे आ रहा है, एंड मैं समझ गया और फाइनली मैं यहाँ पे बच चुका हूँ। सबसे पहले इधर मैं देख लेता हूँ, इधर मैं यहाँ पे सबसे पहले छिप जाता हूँ भाई। ओके तो मैं यहाँ पे छिप गया क्योंकि मुझे उसका साउंड सुनाई दे रहा था और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो इधर ही आ रही है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे ना एक सीटी बजाने का भाई ऑप्शन था, मैंने उसको बजा दिया है और मुझे लगता है शायद अभी इधर वो आ सकती है। एंड मैंने गलती से उसको बजा दिया, मैं सोच रहा था भाई इसका क्या ही मतलब यूज़ है, देखते हैं। और यहाँ पे मॉन्स्टर भी आ चुकी है एंड मुझे पता है अभी मैं गया। ओके गाइस तो उसने मुझे किस कर दिया और मैं गया इधर से, मतलब मेरा जो एक डे है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एंड मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल ही गया था कि इस गेम के अंदर में हमें 10 डेज मिलता है यहाँ से एस्केप करने के लिए, जो कि इनफ होता है भाई यहाँ से एस्केप करने के लिए। तो मतलब बहुत दिन हम लोग को इस गेम के अंदर में मिलता है एंड आप लोग ईजिली भाई यहाँ से एस्केप कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा दिन हम लोग को मिलता है। ऐसे तो हर हॉरर गेम में हमें 2 से 3 दिन मिलता है, उसी में हम लोग एस्केप करते हैं, बट इस गेम के अंदर में भाई अनलिमिटेड डेज आप लोग को मिल जाता है। तो चलिए इधर से कुछ हमें मिला नहीं, यहाँ पर मैं छिप जाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद जो मॉन्स्टर है इधर ही आ रही है क्योंकि उसका साउंड ना मुझे सुनाई दिया। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपना जो काम है उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, किधर आ गया मैं, ओके मैं वहीं पे था, मैं ऊपर तरफ देख रहा था। चलिए कोई बात नहीं, इधर देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है इस ड्रॉअर में, इसको चेक करता हूँ भाई, इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए फाइनली इधर से हमें कुछ मिला नहीं है, यहाँ पर कुछ मुझे देखने, ओके यहाँ पर मुझे क्रोबार चाहिए। चलिए क्रोबार अब किधर से मिलेगा भाई पता नहीं, और हैमर भी चाहिए, दो चीज़ हम लोग को चाहिए तभी हम लोग आगे का सारा काम कर पाएंगे। यहाँ पे मॉन्स्टर भी है और उसने हमें देख भी लिया। सबसे पहले मुझे कहीं पे जाके छिपना होगा, इस तरफ से एक रास्ता, एक काम करता हूँ इधर ही चलता हूँ। चलिए देखते हैं इधर क्या है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का एक पार्ट मिल चुका है, यहाँ पे हैमर का पार्ट है, बट यहाँ पे मॉन्स्टर भी आ चुकी है तो इसको हम लोग अभी लेंगे नहीं, हम लोग वापस घूम के आएंगे एंड उसको लेंगे। सबसे पहले अभी इधर से कहीं पर मुझे छिपना होगा, इस बेड पर मैं छिप जाता हूँ। चलिए फाइनली मैं यहाँ पर छिप चुका हूँ, तो अभी सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और आगे का जो भी काम है उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैं बाहर निकल चुका हूँ, आगे हम लोग को कुछ ड्रॉअर देखने को मिल रहे हैं, एक एक करके चेक करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, ऊपर में जो अपना जो हैमर का एक पार्ट छूट गया था ना उसको लेके आते हैं भाई, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है।
तो अभी सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ मॉन्स्टर तो है नहीं। ओके भाई यहीं पे मॉन्स्टर है, सबसे पहले यहाँ से मैं नीचे उतर जाता हूँ एंड अभी मैं इस बेड के नीचे छिप जाता हूँ। चलिए यहाँ पे डन हो चुका है, मैं यहाँ पे छिप चुका हूँ। अभी मॉन्स्टर पर अगर आ भी जाती है ना तो वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके मैं यहाँ से निकल चुका हूँ बाहर एंड मुझे लगता है मॉन्स्टर नीचे आती नहीं है मुझे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया बात है। इधर मैं देख लेता हूँ भाई, बहुत सारे इधर कवर्ड्स है, एक एक करके चेक करता हूँ। ओ फाइनली गाइस मुझे यहाँ पे क्रोबार मिल चुका है एंड इस क्रोबार को लेके मुझे जाना होगा। इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, इसको मैं कैरी करता हूँ। चलिए तो इधर मुझे मिल चुका है क्रोबार एंड इस क्रोबार के थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है हर गेम के अंदर में जो क्रोबार होता है उसका क्या ही यूज़ होता है, आप लोग को पता ही है। तो अभी सबसे पहले इधर भी देख लेता हूँ कुछ है, इधर कुछ है नहीं है। चलिए अभी सबसे पहले इधर से देखता हूँ क्या मॉन्स्टर आ रही है क्या नहीं। मॉन्स्टर तो आ नहीं रही है बट उसका साउंड सुनाई दे रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इस तरफ से मैं इधर से चलता हूँ एंड अभी मुझे लगता है शायद मॉन्स्टर ओके वहाँ पे कुर्सी कैसे भाई उठ रहा है ऊपर की ओर पता नहीं, बट जो भी वो इधर से चलते हैं बहुत ज़्यादा स्केरी वाला वाइब आ रहा है भाई, मतलब इस घर के अंदर में इधर मॉन्स्टर भी आ रही है और उसको पता कैसे चल रहा है पता नहीं। तो एक काम करता हूँ इसको कंफ्यूज करना होगा अदरवाइज़। ओके यहाँ पे चेयर को कितना दूर तक वो फेंक रही है ऊपर की ओर। अभी सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं भाई। ओके तो यहाँ से मैं बाहर निकल चुका हूँ एंड अभी देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले इस तरफ आते हैं, इधर तो कहीं पे इसका यूज़ नहीं है बट यहाँ पे मुझे एक सीज़र मिल चुका है एंड इस सीज़र के थ्रू मैं कोई भी चीज़ को काट सकता हूँ, लाइक जो रोप होता है या कोई भी चीज़ मैं काट सकता हूँ, वायर कुछ भी मतलब मैं काट सकता हूँ उस सीज़र के थ्रू। तो सबसे पहले इस तरफ आते हैं, इधर कोई हम लोग को ओके मैं देख चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं भाई सीक्रेट कोड है 6452, ये कहीं पर लगने वाला है एंड अभी मॉन्स्टर आ रही है क्या नहीं, मॉन्स्टर तो इधर नहीं आ रही है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, ओके सिल्वर की यहाँ पर लगने वाला है एंड दो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है एंड इस क्रोबार का यूज़ शायद से इधर होने वाला है। चलिए देखते हैं। ओके तो यहाँ पे इस क्रोबार का यूज़ भी हो चुका है, इसके अंदर से हमें कुछ नहीं देखने को मिला है, बाकी और एक जगह मैंने देखा था जहाँ पे क्रोबार का यूज़ होने वाला था एंड चलिए वहीं पे चलते हैं बट मुझे कुछ खास याद नहीं है किधर मैंने देखा था, इधर देखा था क्या, देखते हैं इधर तो कुछ है नहीं। ओके यहाँ पे देखा था। चलिए इसको सबसे पहले इसको हटाते हैं क्या इसके अंदर में। ओके फाइनली मुझे यहाँ पे हैमर का एक पार्ट मिल चुका है, तो फिलहाल अभी एक पार्ट यहाँ पे है और एक पार्ट वहाँ पे है, दोनों को असेंबल करेंगे लगाएंगे। ओ यहाँ पे मॉन्स्टर भी आ चुकी है बट उसने मुझे पकड़ लिया, मैं इतना दूर पे था एंड कैसे उसने मुझे पकड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जो भी वो यहाँ पे डे 3 से स्टार्ट होने वाला है। ओके डे 3 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो एक पार्ट मेरे हाथ में है और एक पार्ट वहाँ पे मैंने देखा था, शायद इधर नहीं मैं गलत तरफ आ गया, मैंने दूसरी तरफ और एक पार्ट देखा था एंड वो दोनों चीज़ों को हम लोग एक जगह पर लगाएंगे एंड उसको कंप्लीट करेंगे यानी रिपेयर करेंगे और अपना हैमर जो है बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मतलब सभी जार को तोड़ पाएंगे यहाँ पे। ओके यहाँ पे चलिए मैंने इसको लगा लिया, यहाँ पे मॉन्स्टर भी आ चुकी है। सबसे पहले मुझे इधर से इसको कंफ्यूज करके निकलना होगा एंड जहाँ पे मैंने बहुत सारा जार देखा था, लाइक मैं जहाँ पे मुझे बंद करके रखा था वहीं पर मैंने बहुत सारा जार देखा था एंड अगर मैं जाके वहाँ पे सारे जार को तोड़ता हूँ तो हो सकता है उसके अंदर से हमें कोई की देखने को मिल जाए, कोई मतलब अच्छा चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग एस्केप कर सके। सबसे पहले दरवाज़ा बंद करते हैं। ओके मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे एक जार है, इसको तोड़ते हैं। ओके साउंड बहुत तेज़ हुआ है तो मॉन्स्टर यहाँ पर आ सकती है, थोड़ा हम लोग को जल्दी जल्दी काम करना होगा। इसको भी तोड़ दिया, इसको तोड़ते हैं भाई। ओके तोड़ दिया मैंने इसको, इसको तोड़ते हैं। तो फाइनली मुझे यहाँ पर ग्रीन की मिल चुका है और यहाँ पर मॉन्स्टर भी आ चुकी है। सबसे पहले इधर से मैं निकल लेता हूँ। चलिए यहाँ से ओ इतना दूर से कैसे इसने पकड़ा भाई पता नहीं, बट मैं बहुत दूर पे था, मैं मतलब मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, मैं बहुत दूर था, आप लोगों ने भी शायद देखा, बट उसने उतना दूर से कैसे पकड़ा भाई पता नहीं, शायद इसके पास सुपर पावर है। एक काम करते हैं इस वाले ग्रीन की को लेते हैं। चलिए इस वाले ग्रीन की को मैंने ले लिया एंड ग्रीन की का यूज़ शायद इधर नहीं, यहाँ पर नहीं, कहीं दूसरे ही जगह मैंने देखा था। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं तभी हम लोग को पता चलेगा भाई दरवाज़ा किसने बंद किया। मैंने मतलब मैंने बंद किया था बट वहाँ पर मॉन्स्टर भी आ चुकी थी तो वो जो दरवाज़ा है वो खुला होना चाहिए बट वो बंद था पता नहीं कैसे। ओके यहाँ पे ग्रीन की का यूज़ हुआ है, देखते हैं इसके अंदर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इस तरफ आता हूँ, यहाँ पे क्या है। ओके यहाँ पे मुझे सीक्रेट कॉर्ड चाहिए जो कि हम लोग को वहाँ पे देखने को मिला था। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 6452। ओके अपना मुझे यहाँ पे एक ब्लू की मिल चुका है। चलिए ये वाला जो ब्लू की है पता नहीं कहाँ पे लगने वाला है बट कहीं पे कोई ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पे लगेगा, तो सबसे पहले ना मैं इस तरफ से निकल लेता हूँ। ओके अभी मैं इधर से चलता हूँ और अभी दूसरे कमरे में चेक करते हैं, मतलब हर कमरे पे एक एक सीक्रेट दरवाज़ा है एंड उसके लिए हमें ओके यहाँ पे भाई मॉन्स्टर ने फिर से हमें पकड़ लिया है एंड उसने मुझे किस कर दिया। चलिए अभी शायद डे 4 यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ओके डे 5 स्टार्ट हो चुका है। चलिए डे 4 तो हम लोग का हो ही चुका था, डे 5 स्टार्ट हो चुका है। बाकी अभी इधर से सबसे पहले यहाँ पर ब्लू की लगेगा क्या। ओके भाई मैं मतलब कैसे करेक्ट एकदम लोकेशन पे आ रहा हूँ और अपना दरवाज़ा मतलब अपना जो की है एकदम मतलब एग्जैक्टली मैं वहीं पे लगा रहा हूँ जहाँ पे लगने का होता है। तो सबसे पहले यहाँ से इधर देख लेता हूँ क्या है इस वाले ड्रॉअर पे, इधर तो कुछ है नहीं,
यहाँ पे क्या है भाई, ओके यहाँ पे मुझे सीजर चाहिए, जो कि मुझे सीजर मिला था वहाँ से मैं जल्दी से दौड़ के लाता हूँ और सीजर से उसको कट करते हैं, देखते हैं उसके बाद हम लोग को उसके अंदर से क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, सीजर मुझे पता है कहाँ पे, यहाँ पे सीजर है, सबसे पहले मैंने उसको ले लिया है। एंड अभी यहाँ से जल्दी से मैं इस हैमर को थोड़ा सा उठा लेता हूँ, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे जितना भी जार है इसको एक एक करके तोड़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर से हमें क्या मिलने वाला है। कुछ नहीं है इस पर अभी आगे, ओके यहाँ से मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ, ओके भाई यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ शायद से, पता नहीं वहाँ पे कोई ग्लिच है क्या है, बट यहाँ पे मॉन्स्टर भी आ चुकी है। सबसे पहले इसको कंफ्यूज करके, ओ मैं बहुत दूर पे था फिर भी इसने मुझे कैसे पकड़ा मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट इसने मुझे पकड़ लिया। और अभी फिर से डे 7 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, कोई बात नहीं है, चलिए जल्दी से फटाफट से यहाँ पे मैंने किधर सीजर गिरा दिया यार, मैंने सीजर शायद से यहाँ से निकल के मुझे इस तरफ जाना होगा, हाँ यहाँ पे कहीं पे मैंने अपने सीजर को गिराया शायद से, मैंने इधर अपना सीजर तो नहीं गिराया बट कहाँ पे गिराया मैं भूल गया, मुझे भाई कोई याद नहीं है, मतलब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ पे गिराया था अपना सीजर। ओके यहाँ पे चलिए मैं इसको सबसे पहले तोड़ लेता हूँ, ओके मैंने इसको तोड़ दिया, फटाफट से तोड़ते हैं सीजर को, लेते हैं यहाँ से निकलते हैं, इसको तोड़ते हैं देखते हैं इसके अंदर से कुछ मिलेगा, नहीं भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और शायद मॉन्स्टर भी जल्दी से आ जाएगी दौड़ के, इसको मैं तोड़ देता हूँ और इसको भी तोड़ता हूँ फटाक से। ओके मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुकी है, तो इसको कन्फ्यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे एक टेबल है, इधर से निकल लेता हूँ मैं, चलिए मैंने इसको कन्फ्यूज़ कर दिया है किसी तरह से। बट अभी अपना जो हैमर है इसका यूज़ मतलब सिर्फ जार तोड़ने के लिए, और किसी भी जार के अंदर में हमें कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ एक हमें मिला था। तो इधर मैंने एक काम करता हूँ, इधर मैंने जो सीटी बजा दिया है, तो अभी इधर मॉन्स्टर आ जाएगी, तब तक मैं गलत तरफ आ गया ना, ओके इस तरफ से मुझे इधर जाना है, ओके मैं सही लोकेशन पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मुझे सीज़र मिल चुका है, चलिए इस वाले सीज़र को ले लेता हूँ मैं और जाके जल्दी से अपने लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पे इसका एग्जैक्टली यूज़ होने वाला है। एंड उसको कट करते हैं, वहाँ पे एक रोप से बंधा हुआ है वो जो बॉक्स है वो, तो उसको फटाफट से काटते हैं, देखते हैं उसके अंदर से हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले इधर से मैं मतलब सही लोकेशन पर आ चुका हूँ, अभी सबसे पहले यहाँ पर इस रोप को काटना है मुझे, ओके इसके अंदर से मुझे सिल्वर की मिल चुका है। मैं आप लोग को बता देता हूँ ये जो सिल्वर की है मुझे पता है कहाँ पर लगने वाला है, तो इसको ले कर मैं जल्दी से चलता हूँ और जाके जल्दी से अपना दरवाज़ा ओपन करते हैं एंड देखते हैं उसके अंदर से हमें क्या मिलने वाला है। मुझे कोई खास आइडिया तो है नहीं कि उसके अंदर से क्या मिलेगा, बट हो सकता है कुछ मिल भी सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं भी मिल सकता है। तो इधर से शायद मैं गलत लोकेशन पे आ चुका हूँ, चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे अपने वाले जो कमरा यानी जहाँ भी मुझे किडनैप करके रखा था ना, वहाँ पे गोल्डन की का यूज़ होने वाला है, तो ये सिल्वर की दूसरी जगह पे कहीं पे यूज़ होगा। इस तरफ से मैं निकलता हूँ, ओके यहाँ पे एक दरवाज़ा है, चलिए इसको ओपन करते हैं, क्या ये ओपन होगा, शायद यहाँ पे सिल्वर, ओके गाइस यहाँ पे सिल्वर की लग चुका है। और अभी फ़िलहाल क्या है यहाँ पे, यहाँ पे फिर से कॉर्ड लगने वाला है, एक सीक्रेट कॉर्ड लगेगा जो सीक्रेट कॉर्ड 2 है, बट सीक्रेट कॉर्ड 1 हमें बहुत ईजिली मिल गया था, बट सीक्रेट कॉर्ड 2 जो है किधर से मिलेगा कोई आइडिया नहीं है। अब जो है मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो गेम है वो मतलब हार्ड होने वाला है, क्योंकि उसको ढूंढना भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह मैंने मतलब 90% जो जगह है मैंने एक्सप्लोर कर लिया, बट मुझे कहीं पे जो मतलब जो सीक्रेट कॉर्ड है वो देखने को नहीं मिला। तो चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलेगा, जब लॉकर दिया है तो उसका पासवर्ड भी ज़रूर ही कहीं पे कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा। तो चलिए चेक करते हैं, चेक करने से हर चीज़ जो है मिलने वाला है। तो यहाँ पे आ चुकी है वो मॉन्स्टर, सबसे पहले इधर से इसको, ओके ये पागल हो गई क्या, पता नहीं भाई उसने मुझको देखा बट वो घूम के फिर से वापस चली गई। यहाँ पे सीक्रेट कॉर्ड 2 है, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, मैं एक रूम के अंदर में गया था बट वहाँ पे एक मतलब कुछ चीज़ था, ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, बट उसको मैंने चेक नहीं किया था, मुझे शक है कहीं वहीं पे हो सकता है यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे एक पोर्ट है और इसको मुझे रोटेट करना है, चलिए रोटेट कर दिया मैंने। यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड मिल चुका है, फाइनली गाइज मुझे सीक्रेट कोड 2 मिल चुका है। एंड मुझे शक था कि कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा, कोई ऐसे चीज़ में होगा जो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो चलिए मुझे वो मतलब पासवर्ड मिल चुका है, वो सीक्रेट कोड 2 मुझे मिल चुका है, तो अभी जल्दी से मैं चलता हूँ सेफ बॉक्स के पास, जाके उसको मतलब उस पासवर्ड को उसमें लगाते हैं, देखते हैं ओपन होगा कि नहीं। बाकी पासवर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा था तो याद रखना, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, पता नहीं मैं भूल गया या याद है, चलिए डालते हैं देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे 6-5 डालना है, उसके बाद 7-4, उसके बाद 8-3, चलिए मैंने सही डाला, ओके गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे सही डाला, अपने गोल्डन की जो है यहाँ पे मुझे मिल चुका है। मैं मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में वहाँ पे डाला है मतलब जो पासवर्ड है, क्योंकि भाई उतना लंबा पासवर्ड मैंने सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए ही देखा और भाई याद रहा, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए कोई बात नहीं, इसको ले कर चलते हैं फटाफट से अपने कमरे के अंदर, मैं ऊपर आ चुका हूँ, अभी यहाँ पर जो दरवाज़ा है इसके थ्रू ये ओपन हो जाएगा, ओके गाइस ये ओपन हो चुका है, अभी इसके अंदर में देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर क्या है। ओके आई नीड स्क्रू ड्राइवर, भाई एक एक करके पज़ल जो है बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटिव होते जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होते जा रहा है,
क्योंकि अभी मुझे स्क्रू ड्राइवर लाना है और मुझे बिल्कुल पता, ओ यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का मुझे पार्ट्स मिल चुका है भाई। चलिए तो अभी ये तो मैंने ही यहाँ पे फेंका था और मुझे ध्यान ही मैंने मतलब उतना ध्यान नहीं दिया था। चलिए कोई बात नहीं, अभी सबसे पहले इसका और एक पार्ट मुझे ढूंढना है, पता नहीं भाई किधर से मिलेगा बट ढूंढना तो हमें पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ से स्केप करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इस घर के अंदर में ही मैं रह जाऊँगा और आप लोगों को पता ही है भाई ये किस दे दे के भाई हम लोग को मार डालेगी। तो कोई बात नहीं, अभी एक और पार्ट देखते हैं किधर से मिलेगा। एक एक ड्रॉर चेक करेंगे, एक एक चीज़ चेक करेंगे, मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं इधर से कुछ मिलेगा। कुछ नहीं है, ओके। अभी इधर देख लेता हूँ मैं, यहाँ भी ड्रॉर है बहुत सारा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है भाई, इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इधर देख लेता हूँ मैं, इधर भी ड्रॉर है। एक एक करके चेक करते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं से तो हमें देखने में ज़रूर मिलेगा। चलिए इधर भी कुछ नहीं है। अभी सबसे पहले हर जगह मैंने देख लिया, अभी चार ड्रॉर यहाँ पे बचा हुआ है, तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मुझे मिल चुका है स्क्रू ड्राइवर का और एक पार्ट, और चलिए अपना स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से इसको अपनी लोकेशन पे लेके चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं उसके अंदर से क्या मिलने वाला है। मुझे शक है कि उसके अंदर से रेड की मिल सकता है, क्योंकि भाई सभी दरवाज़ा मैंने ओपन कर लिया, सभी चीज़ मैंने ओपन कर लिया, सिर्फ एक दरवाज़ा अभी भी बाकी है, वो है रेड की का यूज़ वहाँ पे होने वाला है। तो मुझे शक है कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे रेड की ही मिलने वाला है। चलिए अगर मिल गया भाई तो बहुत ही बढ़िया, अपना गेम यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये ओपन होगा, शायद ओपन तो हो जाना चाहिए। ओके ओपन हो चुका है एंड इसके अंदर से मुझे रेड की मिल चुका है। फाइनली गाइज मैंने अपना गेम जो है कंप्लीट किया, मतलब अभी एस्केप तो नहीं कर पाए पर चलिए अभी एस्केप कर ही लेंगे। अब इसको लेके चलते हैं अपने लोकेशन पे, तो फटाफट से इसको मैं लेके आ जाता हूँ। ओके इधर से मैं आ चुका हूँ, इधर से मुझे लेफ्ट यही वाला कमरा है शायद से, नहीं ये वाला नहीं है भाई, ये वाला कमरा नहीं है, ये वाला। ओके फाइनली मुझे मिल चुका है ये वाला कमरा, इसको मुझे ओपन करना है। सबसे पहले रेड की का यहाँ पर यूज़ हो चुका है और ये रहा एग्जिट डोर, यहाँ से एस्केप करना है। तो फाइनली गाइज मैं उसके घर से एस्केप कर चुका हूँ, हॉरर किस 2 गेम के अंदर में मैं एस्केप कर चुका हूँ, मतलब जो मॉन्स्टर का जो घर था हम लोग सक्सेसफुली वहाँ से एस्केप कर चुके हैं। बाकी आप लोग को ये गेम प्ले वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।